सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार एक सरदार जी गुरुद्वारे मत्था टेकने गए, और जब मत्था टेकने गए तो बड़े गरीब थे। इतनी गरीबी जीवन में कि महाराज पैसा नहीं था कि चप्पल भी खरीद पाए, नंगे पांव रहते थे। गुरुद्वारे में पहुंचे, गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेका। वाहे गुरु आपकी बड़ी मेहर, पर एक शिकायत आपसे, इतना तो दिया होता कि मैं पैर में चप्पल भी डाल सकता, लेकिन नंगे पांव मुझे रहना पड़ता है। अच्छा, अभी गुरुद्वारे में शिकायत कर रहा है, परिक्रमा लगाई, बाहर आया, गुरुद्वारे से थोड़ा दूर चला, उसने क्या देखा, एक भिखारी बैठा है, भीख मांग रहा था। और जैसे उस भिखारी पर नजर गई तो क्या देखा कि उस भिखारी के पैर नहीं थे, बिना पैर का था, पैर कटे हुए हैं उसके। जब कटे हुए पैरों को इस सरदार जी ने देखा तो ये सरदार जी दौड़ते हुए वापस गुरुद्वारे में आए, आंखों में आंसू भर लिए। वाहे गुरु, मैंने आपसे शिकायत करके बहुत बड़ी भूल करी, क्योंकि शिकायत इसलिए करी क्योंकि अभी तक मैं ऊपर देख रहा था, लेकिन सच बात यह है कि तेरी इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि कम से कम तूने मेरे पैर तो सुरक्षित रखे हैं। बोलो राधे राधे। हमेशा नीचे देख करके चलो। हमें यदि सूखी रोटी मिल रही है तो कभी कभी आप विचार, जब मन में ऐसा भाव आ जाए ना कि हमें रोटी पे घी क्यों नहीं मिल रहा है, तो एक विचार मन में कर लो कि भैया हमें तो सूखी रोटी भी बांके बिहारी ने दी है, पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सूखी रोटी भी नसीब में नहीं है। प्रेम से कहो राधे राधे। ऊपर देख करके चलने से अच्छा है, जीवन को यदि आप मधुर बनाना चाहते हैं, जीवन में एक अच्छे आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो आप झुक करके चलिए, तभी जीवन का आनंद है।